तजुर्बा बोलते हैं तेजस्वी यादव मुझे को तजुर्बा तजुर्बा बोले नहीं आता, वो क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? 4000 पार नीतीश कुमार, 400 पार होने वाला नहीं है, 4000 पार करवा रहे हैं। राज्य का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सामने कहता है कि 4000 पार, मुख्यमंत्री को मालूम नहीं कि कितना लोकसभा में सीट होती है? तो बताइए, जाहिलों का जमात रखे हुए हैं प्रधानमंत्री, सत्ता में आ सकते हैं लेकिन 400 पार नहीं। राहुल गांधी ने ओपन चैलेंज के लिए मोदी जी को डिबेट में बुला रखा, डिबेट के लिए 6-7 दिन पहले उनको भेजा गया है प्रस्ताव कि आइए ओपन एक मंच तैयार करिए कि जहां पे आप डिबेट के लिए एग्री हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसी एक नेता को भेज दिया गया है कि जाइए आप तर्क वितर्क के लिए, ठीक है? जब आप प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं, आपको जाना चाहिए इन चीजों के लिए। दूसरे थोड़ी नहीं जाएंगे, देश का चुनाव है, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है या विधायक का चुनाव नहीं है। प्रधानमंत्री तो बिहार भी आ रहे हैं, आप बिहार प्रचार के लिए आ रहे हैं। देखिए विजन, आपका क्या विजन है, उनका क्या विजन है, इसलिए तो बोला जा रहा है कि साझा एक मंच तैयार करिए, सारी मीडिया वहाँ पे रहेगी। आपका क्या विजन है, हमारा क्या विजन है, रखिए कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं अगले पांच वर्षों के लिए और आप क्या कर सकते हैं वो रखेंगे। खड़के जी बोल रहे हैं कि आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, हम 10 किलो अनाज दे। सुनिए ना, 5 किलो अनाज से कुछ नहीं होगा, रोजगार चाहिए हमें। खड़के जी भी तो वही बोल रहे हैं। सुनिए ना, रोजगार, राशन, देखिए राशन एक अलग चीज है पर रोजगार किसने दिया? सुनिए पहले पढ़ के आइए फिर, यही तो अनपढ़ नहीं, अनपढ़ वाली बात नहीं कर रहे हैं। सोना वाली किसने बोली है? अनपढ़ सोना वाली किसने बात बोली है? गूगल करिए। अरे कूले राहुल गांधी पप्पू पगले टेको प्रधानमंत्री बनता है यार, पढ़िए। आप लोग अकेले बोलेंगे, उनको बोलने नहीं देंगे, उनको बोलने दीजिए। आम चूस के खाएगा कि गुठली के साथ मोदी जी को खाने भी नहीं आता, हम ये बोल रहा है राहुल बाबा को बोल रहा है। राहुल बाबा तो बार बार बोल रहा है कि मोदी जी, अरे सुनो नहीं यार, में तो बिहारी बाज में किसको छुरा के लाया था अमेरिका, सही बताओ किसको लाया था छुरा के? उसको हम प्रधानमंत्री बना देंगे। नेहरू परिवार ही 400 ला सकता है, मोदी जी कभी नहीं 400 आने वाले हैं, समझ लो। अडानी के जो सी पॉइंट्स है वहाँ पे, अडानी के सी पॉइंट्स वगैरह में अभी कुछ दिन पहले ड्रग्स पकड़ी गई थी, उस पर क्यों नहीं बोलते ये लोग, क्यों नहीं बोलते? अनभक्ति का कोई समय सीमा नहीं है, एक थके प्रधानमंत्री को जाना आवश्यक है। देश का डेवलपमेंट चाहते हैं तो एक अच्छे युवा को प्रधानमंत्री बनाना होगा। शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बेरोजगारी पर, बढ़ते बेलगाम महंगाई पर, तमाम मुद्दे पर आपको एक अच्छी सरकार लाना होगा और अच्छे लोगों को वोट करें। तजुर्बा बोलते हैं तेजस्वी यादव मुझे को, तजुर्बा बोले नहीं आता, वो क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? नीतीश कुमार 4000 पार बोलिए ना, 4000 पार, 4000 पार नीतीश कुमार, 400 भी पार, 400 पार होने वाला नहीं है, वो 4000 पार करवा रहे हैं। राज्य का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सामने कहता है कि 4000 पार, मुख्यमंत्री को मालूम नहीं कि कितना लोकसभा में सीट होती है? तो बताइए, जाहिलों का जमात रखे हुए हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री का भी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, अब मुख्यमंत्री भी खो बैठे। हमने यही बोला कि पहले कभी कांग्रेस की सरकार में ऐसा हुआ है कि लद्दाख पर जाकर के देखिए, अभी हम लोग चाइना वाला को पीटते हैं पूरे देश में, पूरे देश में हम लोग जब से मोदी सरकार आए हैं 370 कश्मीर की सरकार में, पाकिस्तान हम लोग इंटरनल मैटर हम लोग करके पाकिस्तान में हमला किया और बदला लिया और पूरे, इनको इतिहास नहीं पता, इनको पता है कि इंदिरा गांधी के समय में पूरा पाकिस्तान हमारा होने वाला था, शायद इनको ये नहीं पता था। क्यों नहीं हुआ, उसका अलग रीजन था। हम भी मोदी के सपोर्टर हैं और 47 में भी कांग्रेस से थी, जैसे कह रहे ना कि 71 में कांग्रेस जीती थी इलेक्शन, तो बंटवारा भी कांग्रेस से करवाई थी 47 में। स्थिति पता है, जाके देखिए चाइना का स्थिति कहां तक रोड बना लिया है। 21 को जवान हमारा शहीद हुआ था चाइना से, 21 को जवान चाइना में शहीद हुआ था 2020 में, 19 में एयर स्ट्राइक मोदी करवाए थे और 2020 में चाइना चला गया था। 4 जून को 400 पार, नतीजा 1 तारीख को आ जाएगी, ये लोग क्या करेंगे? 4 जून का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन 99% हम लोग का भरोसा हो जाएगा 1 तारीख को। अभी जो वोटिंग हो रही है 60-70% वोटिंग हो रही है, जिसमें 55% वोटिंग मोदी के खाते में जा रही है। ये लोग चमचों का क्या हाल होगा, इनसे पूछ लीजिए, चमचों का ज्ञान है। अनभक्ति मोदी जी बाय बाय टाटा बाय बाय जाने वाले हैं, उनको सफाया होने वाला जुमलेबाज प्रधानमंत्री का इस देश से। गलियान घाटी में देखिए 2019 में पुलवामा अटैक हुआ,
मोदी ये रख रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन 2020 में हमारे कैश को कल्याण घाटी में मारा गया जवान, उससे मोदी जी चाइना में घुसे क्यों नहीं मर? अभी भी हमारा सेना खेल खेल के अभी भी चाइना घुसा हुआ है। चाइना का भी जवान मरा था, लेकिन चाइना ने रिपोर्ट क्लियर नहीं करा, लेकिन अमेरिका ने बताया कि उसके 40 जवान मर चुके हैं। यूरोप के बहुत सारे नेशन ने बताया, फ्रांस ने बताया कि 40 जवान उसके मर चुके हैं। हमारे मोदी 2014 से पहले क्या बोले थे कि अगर एक पाकिस्तानी अगर मारता इंडिया सैनिक को तो हम 10 काट के लाएंगे, 10 लाएंगे। अरे सुनो ना यार, 44 जवान मेरा पुलवामा अटैक में हुआ, एक जवान मरा गया था, 400 मारे गए थे जाके जंगल रात में हुआ था, जवान कहाँ मारा गया था? फिर चाइना से मैं कैश को हुआ था, कहाँ जाकर 4 गुना जाकर मार के लाया? बिल्कुल, जैसे बात सुनिए, जो ये कह रहे ना कि पाकिस्तान का हालत अगर देखना है तो जो पार्लियामेंट में जो उनका एमपी है उनका बयान सुनिए। वो कह रहे हैं कि जैसे हम कह रहे अभिनंदन पकड़ाए थे, अभिनंदन साहब क्या बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री का पैर कांप रहा था? क्या बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को डर नहीं है? अकेले एक महिला लीडर थी इंदिरा गांधी, पूरा देश को कमान करती थी, पूरे देश को कमान कर, पूरा पाकिस्तान को अपना कर लेती, सभ्य को अपना अंदर कर लेती। लोग क्या करेंगे? हमारा कहना है कि आपको बोले से ना मोदी के सरकार आ जाएगा ना राहुल गांधी के, कुछ नहीं, बिल्कुल करवा रहे हैं। राज्य का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सामने कहता है कि 4000 पार, मुख्यमंत्री को मालूम नहीं कि कितना लोकसभा में सीट होती है, तब बताइए जाहिलों का जमात रखे हुए हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल 400 पार होगा, 400 पार होगा, 400 पार नहीं होगा, सत्ता में आ सकते हैं लेकिन 400 पार नहीं होगा। जिसके पास स्किल नहीं है वो बेरोजगार है, अगर आप स्किल्ड हैं तो आपको रोजगार है। अगर आप हमको बताइए बेरोजगार कौन है बेरोजगार वो है जिसके पास स्किल नहीं है। अगर बिना स्किल के आप रोजगार क्या चाहते हैं? स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, और क्या चाहिए आपको? हम स्किल वाला दिखाए, रोजगार दिलवाइएगा, चलिए कैमरा मैन फोकस, हम स्किल दिखाए, रोजगार दिलवाइएगा, तो चलिए बोलिए माइक के, बोलिए। अब जिन लड़कों के पास स्किल है उनको रोजगार दिलवाइएगा, चलिए ना, तब चले ना, स्किल दिखवाते हैं, पेपर लीक हो जाता है, एग्जाम तो होता है, पेपर लीक हो जाता है, एक बार होता है, 50 बार पेपर लीक होता है यार। बिहार पुलिस का रेलवे एग्जाम लीक हुआ, बिहार का हुआ तो बिहार सरकार पे ना ब्लेम कीजिएगा, यूपी में भी हुआ है, यूपी पुलिस का हुआ है। देखिए क्राइम नहीं रुक सकता, लेकिन क्राइम को सख्ती से निपटने के लिए सरकार चाहिए। माफिया ही है, ये क्राइम का माफिया ही है, कहिए कैसे? सुनिए, काम करने आता है, बहाना बनाने आता है, समझे? जिसको काम करना आता है, क्राइम नहीं रुक सकता, लेकिन क्राइम को सख्ती से निपटने वाला सरकार चाहिए। क्राइम नहीं रुकेगा, मर्डर रेप हर जगह होगा, लेकिन उसको सख्ती से निपटने के लिए सरकार चाहिए। सबसे बड़ा रेपिस्ट कौन है? ब्रजभूषण शरण सिंह, राम दुलार गोंड, ब्रजभूषण शरण सिंह, ये लोग क्या नहीं बोलते हैं आप लोग? सौ रुपया में गमछा डाल के आए बोलने के लिए, तुम देखा था? ब्रजभूषण का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में है, ब्रजभूषण का केस कोर्ट में है। प्रज्वल रेवन्ना बताइए, प्रज्वल रेवन्ना पे केस चल रहा है, और कांग्रेस की सरकार मानना चाहिए मोदी जी। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस अपने काम क्यों नहीं कर रही? अगर वो रेपिस्ट है तो उसको जेल में डालिए, क्यों नहीं डाल रही? पहले ही भगा दिए आप लोग, बेशर्मों की तरह बात कर रहे हैं, भगा दिए हम, भगा दिए तो रेपिस्ट। मैं यही बोलना चाहता हूँ, जिस सरकार को तजुर्बा बोलने के लिए नहीं होता, क्वेश्चन आउट नहीं होगा तो क्या आउट होगा? तरबूजा बोलते हैं तो क्वेश्चन आउट नहीं होगा तो क्या होगा? इसीलिए रेपिस्ट कोई भी हो, राबड़ी देवी को क्या आता है? हम तो चाहते हैं यूपीएससी पेपर में बैठा करके सरकार बनाना। देखिए इन लोगों को तबाह होते हुए तबाही नहीं बिकती, ये अंधभक्ति है साहब, दवाई इसकी दवाई नहीं बिकती। ये सभी में क्या हुआ है? कहां पेपर सारी बातें बिहार में क्यों कर रहे हैं? तो योगी ने तुरंत ट्वीट करा कि हम उसका जांच कराएंगे, अगर युवाओं के साथ अभी लीक तो हो रहा है, वो कमी है कि नहीं तो मानोगे? जांच तो बाद में होती है, लीक पहले होता भाई, लीक पहले होता। हमको एक बात बताइए, ऐसी कोई सरकार नहीं हो सकती जो कहे कि हम अपने राज में, मैं यही बोलना आप ही के जैसा आदमी तो पेपर लीक करता है। आपकी सरकार क्या बात कर रहे हो यार, इसको गलती मान।
जानकारी नहीं रहा, लीक हो रहा है, जांच करा रहे, जांच तो बाद में होती है। कुछ भी हो जाए दोबारा जंगल राज बिहार के अंदर नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। अरे अभी अभी तो पेपर लीक होता है मानते हैं, लेकिन जब जंगल राज की सरकार थी ना तब पेपर लीक रहे, सीधे सीटें खर्चा जाता था, सीधे सीट की बात होती थी। अगर जंगल राज आ जाएगा ना तो अगर लीक हो गया पेपर तो फिर जांच नहीं होगा, खत्म, जांच नहीं होगा। एक समय ऐसी थी जहाँ पे 25 लाख 30 लाख में सीट को खरीदा जाता था। क्या क्या रहे उसका नहीं मतलब है आपको, टाइम टाइम अपना जाएगा कि नहीं, 100 किलोमीटर जो यहाँ से जा रहे हैं पुलिस का एग्जाम देने, और सेंटर गवर्नमेंट के, सेंटर गवर्नमेंट के एग्जाम में लीक बताइए हमको। आप ही कह रहे थे कि हमने नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया है, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं बता पा रहे, पूछिए ये रहे, आइए भाई रहे। अच्छा बता दीजिए ए प्लस बी का व्हाट, एक सौ प्लस बी, एक सौ प्लस टू बी, क्या क्या क्या, एक सौ प्लस बी, एक सौ प्लस टू बी, ए प्लस का होल क्यूब क्या है, हम बताते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री एम इनटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हां ये है बेरोजगार, ये है बेरोजगार, बेरोजगार ये है असली चेहरा, जो बेरोजगारी का रोग रोते हैं ना। आप क्या करते हैं बताइए? हम क्या करते हैं, हम सीजीएल की तैयारी करते हैं, हमने 2023 में आपको नौकरी नहीं चाहिए। जीरो प्लस कितना होता है, वन बाई एक मिनट, क्या क्या इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव। अरे पूछिए भैया सीजीएल क्वालिफाई है, अरे इसका अनंत है, जो इसका कोई परिणाम नहीं है, पूरा अनंत है। कितने हाँ, प्रकार के इन्फिनिटिव होते, क्या बोले कितने प्रकार इन्फिनिटिव 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 होते हैं, और क्या ले गया, क्या आप बताइए इन्फिनिटिव क्या, को ऐसे हाँ, नहीं बताना चाहिए। आइए भाई साहब को मैं जवाब दे देता हूँ, इन्फिनिटी क्या होता है आप ही समझा दीजिए। सुन लीजिए पहले मैं बताता हूँ, ये भाई साहब बोल रहे थे कि लोग स्किल्ड नहीं, एक मिनट, लोग स्किल्ड नहीं है। 17-18 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, 10 साल से कांग्रेस की सरकार है, तो आपको स्किल्ड करने के लिए कौन जिम्मेवार है बताइए? आप छात्र हैं, आपको स्किल्ड करने के लिए कौन जिम्मेवार है? बिहार सरकार में जो बिहार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, एजुकेशन है, स्टेट पॉलिसी है। आपके हिसाब से एनवायरनमेंट मैटर नहीं करती है? मैटर करता है, हम लोग जिम्मेवार है, खुद जिम्मेवार है, स्टूडेंट जिम्मेदार नहीं है, मैं सरकार को बोल रहा हूँ। आपके घर में आपको कॉपी किताब नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, पढ़ लेंगे, वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि सरकार जिम्मेवार है ना। 17-18 नहीं, मैं नहीं ये नहीं कर रहा हूँ भैया, सरकारी स्कूल में नहीं मिलता है, सरकारी स्कूल में मिलता है, फिर सरकार दे रही है, तो फिर सरकारी किताब दे रही है ना, सरकार दे रही है, किताब भी दे रही है, बोल रहे कि सरकार छात्रवृत्ति भी दे रही है, कि सरकार हर एक चीज दे रही है। अच्छा देर से आप बात की ना, आप आधा घंटा से बात की, यहाँ पे एक भी पब्लिक ऐसा मिला जो कि अपने सांसद से पूछे कि हमारे लिए 5 साल का रोड मैप क्या है? कोई पूछता है अपने सांसद से कि हम क्यों आपको वोट दें? आपने 5 साल के लिए क्या सोच रखा है आपने मेरे क्षेत्र के लिए? जिस दिन अगर ये सवाल होने लगेगा सारे सांसद कैंडिडेट से, सारे विधायक कैंडिडेट से, व्यवस्था उसी दिन। आप किस लोकसभा क्षेत्र से? हम सासाराम लोकसभा क्षेत्र से, सासाराम लोकसभा से जी। इस बार क्या माहौल है सर? अरे माहौल 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 तो जनता सब कोई किसी के फेवर में, कांग्रेस के कोई बीजेपी के, माहौल तो अभी कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जनता की समस्या ये है कि जनता के लिए जो जेन्युइन मुद्दे होने चाहिए, बेरोजगारी, महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनल सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, चाहे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। कोई कर रहा है 400 पार, कोई कर रहा है तड़ी पार, यही मुद्दा है। देखिए असम के सीएम जो है हेमंत बिस्वा शर्मा आज बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे, मुजफ्फरपुर में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला बोला, साथ ही पाकिस्तान जाने की नसीहत भी दे दी। इसी पर हमने पटना के लोगों से बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि उनका क्या सोचना इस बयान पर, आपके इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।